नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश, और आइए नजर डाल लेते हैं दिन भर की मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर। विधानसभा चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने अपनी हार स्वीकार करते हुए मतदाताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वह सरकार बनाने का कोई दावा नहीं करेंगे। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और 121 विधायकों के समर्थन का दावा किया। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। बहुमत के करीब रहकर सरकार बनाने में असफल रही भाजपा की हार के लिए शिवराज सिंह चौहान ने हार स्वीकार की है। बुधवार को शिवराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव के नतीजों को लेकर मीडिया से बातचीत की और आगे की रणनीति बताई। वहीं शिवराज ने यह भी कहा कि विपक्ष भी अब दमदार है, चौकीदारी करने की जिम्मेदारी हमारी है, हम चुप बैठने वालों में से नहीं है, हम आराम नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण पार्टी को बसपा और सपा का समर्थन लेना पड़ा है। मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर मंथन जारी है। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विधायक दल की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इस बैठक में निर्दलीय विधायकों को भी आमंत्रित किया। इस बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ समेत पार्टी के केंद्रीय ऑब्जर्वर एके एंटोनी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वनवास खत्म होने जा रहा है। सरकार बनाने के सियासी घमासान के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। बसपा के समर्थन ने कांग्रेस को बड़ी राहत दी है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। 15 साल से सत्ता से दूर रही कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में समर्थक जीत का जश्न मनाने के लिए उमड़ पड़े हैं। समर्थकों की भीड़ मंगलवार को मतगणना के परिणामों के साथ ही जुटने लगी थी। बुधवार को सुबह से ही पटाखे फोड़े गए और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एमएसटीवी। नमस्कार।